आज हम पढ़ेंगे कोणों के समद्विभाजकों के समीकरण। हम कोण को जब एक रेखा द्वारा समद्विभाजित करते हैं, उसके अर्धक ज्ञात करते हैं, तो उस रेखा का क्या समीकरण होगा, इस पर हम बात करेंगे आज। तो जिस कोण का अर्धक अर्धक करने वाली रेखा को, जैसे कोई कोण दिया हुआ है, सपोज दैट ये कोण है, अभी ये जो कोण है इसका अर्धक करने वाली रेखा ये है, तो ये रेखा इस कोण का कहलाएगा समद्विभाजक या कोण का अर्धक रेखा। इसके लिए हम रेखा चित्र बनाएंगे। एक दो रेखा लेते हैं, एक एक्स एक्स डेस, एक दूसरी रेखा लेते हैं हम ए और ए डेस। ये रेखा एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है। हमने एक रेखा लिया एक्स ओ एक्स डेस, एक दूसरी रेखा लिया ए और ए डेस, ये दोनों ओ बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो प्रतिच्छेद करने से यहाँ पर एक कोण बन रहा है। इस कोण का हमें समद्विभाजक या अर्धक ज्ञात करना है। इसके लिए हमने एक रेखा जिसको समद्विभाजित करने वाला रेखा माना B एवं B डेस। यहां पर एक्स ओ एक्स एक रेखा है और ए ओ ए डेस एक दूसरी रेखा है। उसको समद्विभाजित करने वाली या एक रेखा, ये जो रेखा इसको विभाजन कर रहा है दो कोणों में, उसके लिए हमको समीकरण प्राप्त करना है। यहां पर हम देखेंगे जो रेखा इसको जो विभाजित कर रही है वो रेखा, सबसे पहले जब ये रेखा प्रतिच्छेद करती है ए ओ ए डेस, तो दो तरह से कोण बने। कौन सा कोण बना? पहला ए ओ एक्स डेस न्यून कोण और दूसरा ए ओ एक्स डेस अधिक कोण। जब रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो दो कोण निर्माण होते हैं, एक न्यून कोण और दूसरा अधिक कोण, जिसके फलस्वरूप ये दोनों कोण कैसे होते हैं, समपूरक होते हैं। मतलब दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ये दो समपूरक कोण का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर ए ओ एक्स न्यून कोण हुआ, ए ओ एक्स न्यून कोण और ए ओ एक्स डेस अधिक कोण। एक प्रति जिसको समद्विभाजित अर्धक रेखा है बी ओ बी डिस, इसको समद्विभाजित कर रही है। तो हम जानते हैं यहां पर एक बिंदु P लिए, हम एक बिंदु P लेते हैं, तो ये P बिंदु से हमने एक जो अर्धक रेखा है समद्विभाजक रेखा है, इस पर हमने एक लंब डाला PM और यहां पर एक लंबवत रेखा डाला PN। हम जानते हैं जब कोण समद्विभाजित करती है, तो जब रेखाएं प्रतिच्छेद होकर वो रेखा कोण उसको समद्विभाजित करती है, तो यहां पर जो इसकी लंबाई है वो दोनों कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। अर्धक रेखा के प्रत्येक बिंदु से प्रतिच्छेदी रेखाओं पर डाले गए लंब की लंबाई दोनों बराबर होंगे, मतलब PM इक्वल PN। अर्धक रेखा से ये डाले गए जितने बिंदु से हम इन दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं डालेंगे, उसकी लंबाई कैसे होंगी, आपस में बराबर होंगे। इनकी जो डिस्टेंस है इस रेखा से वो बराबर होगा, अर्थात PN इक्वल PN। ये कब होगा, जब रेखा
प्रतिच्छेदी रेखाओं का कैसा हो, समद्विभाजक रेखा होगा तब। यदि वो रेखा समद्विभाजक नहीं है, उस प्रतिच्छेदी रेखाओं के जो बनने वाले बीच के कोण को बराबर भागों में विभाजित नहीं कर रही है, तो PM और PN के जो डिस्टेंस है बराबर नहीं होगी। PM और PN की डिस्टेंस कैसी होगी, बराबर नहीं होगी। तो ये जब संभव है, जब वो रेखा विभाजन करने वाली रेखा है, समद्विभाजक रेखा है, वो कैसी होगी, प्रतिच्छेदी रेखाओं के समद्विभाजक होगा, है ना। यदि कोई प्रतिच्छेदी, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और उसकी रेखाएं समद्विभाजक नहीं है, तो इस बिंदु से इस रेखा पर और इस बिंदु से हम ये जो प्रतिच्छेदी रेखा है, इन दोनों पर डाले गए लंब की लंबाई, ये इसके बराबर नहीं होगा। यदि O है और P है, ये M है, तो OM not equal OP। ये बराबर की कंडीशन तभी संभव है जब रेखा जो विभाजन कर रही है अर्धक रेखा होगी, तभी यह कंडीशन संभव है। यह समद्विभाजक रेखा, उस कोण की समद्विभाजक रेखा है, तभी यह ऐसा शर्त लागू होगा। अब हम देखते हैं रेखाओं का बीच का समद्विभाजक के लिए समीकरण। अब हम समीकरण ज्ञात करेंगे। रेखाओं a1 x b1 y तथा रेखाओं a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल 0 तथा a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल 0 के बीच कोणों के समद्विभाजक, कोणों के अर्धकों के समीकरण ज्ञात कीजिए, या अर्धकों के समीकरण ज्ञात करना। समीकरण ज्ञात करना, दो रेखाएं दी गई है, उन रेखाओं के जो अर्धक होंगे, अर्धकों की समीकरण ज्ञात करना। दो अर्धक बनेंगे, है ना, इसके लिए रेखा चित्र बना लेते हैं।
ए वन एक्स प्लस बी वन प्लस सी वन, और दो रेखा दी गई है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल जीरो। ये ए बी रेखा का समीकरण है, ए बी रेखा का समीकरण समीकरण, और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल जीरो, ये सी डी रेखा का समीकरण, सी डी रेखा का समीकरण, सी डी रेखा का समीकरण है। ये ए बी रेखा और सी डी रेखा, ये दोनों रेखा एक दूसरे को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, ई पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो हमें दो अर्धक प्राप्त हुआ, एक तो ई एल, ई एल अर्धक, और दूसरा ई एल डेस अर्धक, ई एल अर्धक और दूसरा ई एल डेस अर्धक प्राप्त हुआ। ये जो दो अर्धक हैं प्राप्त हुआ, अब इस हमने मान लिया ई एल जो अर्धक, एक अर्धक पे हमने एक पी बिंदु की कल्पना की, पी चर बिंदु की कल्पना की, अर्धक अर्धक ई एल में चर बिंदु पी एच के की कल्पना की, चर बिंदु पी एच के की कल्पना की, तो इस चर बिंदु से इन दोनों रेखाओं पर हमने पीएम और पीएन लंब डाल दिया। चूंकि ये बिंदु अर्धक है इसलिए पीएम और पीएन की डिस्टेंस बराबर होगी, क्योंकि ये अर्धक है, अर्धक पे स्थित है पी बिंदु, इसलिए पीएम और पीएन की जो दूरी है वो आपस में बराबर होंगी। मतलब कि पीएम इस रेखा पर हम जो लंब डाल रहे हैं ए बी रेखा पर, और पीएन जो हम सी डी रेखा पर डाल रहे हैं, ये लंब की लंबाई है। पीएम क्या है, ए बी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, और पी एन सी डी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। तो पी एम बराबर हो जाएगा रेखा पी एम की लंबाई या पी एच के द्वारा रेखा ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल जीरो पर डाली गए लंब की लंबाई PM इक्वल ये हो जाएगा ए वन एच धन बी वन के धन सी वन बटा वर्गमूल ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर। एक बिंदु से एक रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई का सूत्र होता है, यदि x x डैश y डैश एक बिंदु है, इस बिंदु से इस रेखा एक्स वाई प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना है, तो इसका सूत्र होता है ए एक्स डैश प्लस बी वाई डैश प्लस सी अपान रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी फार्मूला का यहाँ पे उपयोग किया गया है कि एक बिंदु P से हम रेखा पर लंब डाल रहे हैं, तो उसके लिए सूत्र इस सूत्र के अनुसार से ए वन एच प्लस बी वन के प्लस सी वन अपान रूट ए वन स्क्वायर ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर। इसी तरह से पी एन इक्वल पी एन इक्वल पी बिंदु से सी डी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, इसी प्रकार से पी बिंदु द्वारा पी एच के बिंदु द्वारा रेखा ए टू एक्स सी डी रेखा
बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल जीरो पर डाले गए लंब की लंबाई लंबाई पी एन इक्वल हो जाएगा ये ए टू एच धन बी टू के धन सी टू बटा ये हो जाएगा वर्गमूल ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर। ये भी उसी फार्मूला से हुआ है। ये दोनों लंब की लंबाई पी एन और पी एम लंब की लंबाई जो हमने इस अर्धक रेखा से प्रतिच्छेदी रेखाओं पर डाला है ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये दोनों की लंबाई आपस में बराबर है तो इसकी दो स्थिति निर्मित होती है। पहला स्थिति है ना, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो अचर है उसको गुणांक को समान चिन्ह लिया गया है धनात्मक C1 और C2 लिया गया है समतल पे, है ना। अब बिंदु P रेखा के उस ओर स्थिर हो जिधर मूल बिंदु व्यंजक हो। पहली स्थिति अब पी बिंदु ये पी बिंदु इस ओर स्थित हो जिधर रेखा के मूल बिंदु स्थित हो। जैसे ये ए भी एक रेखा है मूल बिंदु इधर है पी बिंदु भी इधर है सी डी के लिए सी डी यहाँ पर रेखा है तो ये बिंदु भी मूल बिंदु की स्थिति हो। इस स्थिति में सी वन और सी टू के चिन्ह कैसे हैं धनात्मक है बराबर चिन्ह लिए गए समान चिन्ह लिए गए अतः हम यहाँ पर इसके लिए हो जाएगा ये a1x प्लस b1y प्लस c1 वर्गमूल ये हो जाएगा a1 वर्ग धन b1 वर्ग बराबर धन चिन्ह हो जाएगा रूट a2 सॉरी एच आएगा यहाँ पर क्योंकि हम पी बिंदु पर ले रहे हैं अभी व्यापीकरण नहीं कर रहे हैं के ए टू एच धन बी टू के धन सी टू अपान ये हो जाएगा ए टू स्क्वायर धन बी टू स्क्वायर। कब जब बिंदु पी को रेखाओं के सापेक्ष प्रतिच्छेदी रेखाओं के सापेक्ष हम मूल बिंदु की ओर लेते हैं तब पहली कंडीशन क्योंकि हमने C1 और C2 दोनों को धनात्मक लिया है अतः उनके समान चिन्ह होने के कारण ये दोनों कैसे होंगे समीकरण इस तरह से होंगे। अब दूसरी स्थिति जब P बिंदु मूल जो P बिंदु इस रेखा के सापेक्ष मूल बिंदु की ओर हो लेकिन CD रेखा के सापेक्ष विपरीत ओर हो दूसरी ओर हो तो चिन्ह कैसे होंगे बदल जाएंगे विपरीत होंगे। इस कंडीशन के लिए ये हो जाएगा समीकरण इस कंडीशन में समीकरण हो जाएगा दूसरी स्थिति में जब विपरीत ओर बिंदु हो तो उस कंडीशन में होगा ए वन एच धन बी वन के धन सी वन बटा ए वन वर्ग धन बी वन वर्ग बराबर ऋण ऋण चिन्ह हो जाएगा विपरीत ओर होने के कारण ए टू एच धन बी टू के धन सी टू अपान ये हो जाएगा ए टू स्क्वायर धन बी टू स्क्वायर। ये दो प्रकार के हमको समीकरण प्राप्त हुआ है। यदि दोनों समद्विभाजकों का संयुक्त संबंध ज्ञात करें ये दोनों समद्विभाजक रेखा है ना ये पहली रेखा EL के लिए और ये कौन सी हो गई दूसरी रेखा EL के लिए दोनों समद्विभाजकों का हम यदि संयुक्त संबंध ज्ञात करें तो ये हो जाएगा समीकरण को हम इस रूप से लिख सकते हैं दोनों समद्विभाजकों का संयुक्त रूप से हम ज्ञात करें तो ये हो जाएगा आपका ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन
बटा ए वन एक्स बी वन वाई सी वन बटा रूट ए वन स्क्वायर धन बी वन स्क्वायर इक्वल प्लस माइनस दोनों एक साथ जोड़ देंगे, ये हो जाएगा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बटा रूट, ये एच के रूप रहेगा, अभी हम संयुक्त रूप से व्यक्त करेंगे तो एच और के रूप में, एच और के रूप में होगा ये ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर, ये संयुक्त रूप में समद्विभाजक बिंदु P के सापेक्ष। हम यदि P बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करें या व्यापकीकरण कर दें तो H के स्थान पर X और K के स्थान पर Y लिखेंगे तो ये समीकरण हो जाएगा A1X then B1Y plus C1 बटा हो जाएगा रूट A1 square then B1 square equal plus minus ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू अपान हो जाएगा रूट ए टू स्क्वायर धन बी टू स्क्वायर, ये निकल गया, ये समद्विभाजकों के समीकरण का सूत्र है। अब हम कोणों के समद्विभाजकों के समीकरण से संबंधित प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न है कि सरल रेखाएं 3x plus 4y equal 11, 3x plus 4y equal 11 और इक्वेशन है 12x minus 5y, 12x minus 5y equal 2 के बीच के कोणों के समद्विभाजकों की समीकरण तथा मूल बिंदु जिसमें आता है ज्ञात कीजिए और न्यून कोण अधिक कोणों के समद्विभाजक कौन से हैं, ये प्रश्न है, इसको हल करना है। सबसे पहले समीकरणों के अचर पदों को धनात्मक रूप में लिखने पर हल, अचर पद को हम धनात्मक रूप में व्यवस्थित करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3x, क्यों, क्योंकि ये हमारा इक्वेशन किस रूप में है, समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो, इस फॉर्म में अपने को व्यापक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है तो ये हो जाएगा माइनस 3x माइनस 4y प्लस 11 इक्वल जीरो, वन नंबर एंड सेकंड माइनस 12x प्लस 5y प्लस 2 इक्वल जीरो, समीकरण दूसरा, दो समीकरण हैं, दोनों समीकरणों के हमने अचर पद को धनात्मक के रूप में हमने परिवर्तित किया है। समीकरण एक और दो के बीच के कोणों को समद्विभाजक, समद्विभाजकों की समीकरण है ना, इस समीकरणों का लिए निकालेंगे दोनों कोणों के समद्विभाजकों रेखा का, ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं एक दूसरे को समद्विभाजित कर रही है तो इसका सम्मिलित रूप से कैसे निकलेगा, माइनस विच इंप्लाइज दैट माइनस 3x माइनस 4y प्लस 11 अपॉन क्या होगा a1 का वर्ग b1 का वर्ग, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा a1, a1 मतलब माइनस 3 का वर्ग धन माइनस 4 का वर्ग इक्वल, क्या लेते थे उसके बाद, हम इक्वल के बाद क्या निकाले थे, उसके बाद लेते हैं प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस 12x प्लस 5y प्लस 2 अपॉन, ये हो जाएगा रूट
माइनस 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर विच इम्प्लाइज दैट माइनस 3x माइनस 4y प्लस 11 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना हुआ 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 9 प्लस 16 कितना हुआ 9 प्लस 16 25 इक्वल प्लस माइनस माइनस 12x प्लस 5y प्लस 2 इक्वल 12 144 और 5 रूट 169 144 धन 25 कितना हो गया 169 है ना। अब इस 169 आ गया दोनों का स्क्वायर लेंगे क्वेश्चन क्या हो जाएगा माइनस 3x माइनस 4y प्लस 11 अपॉन ये हो जाएगा 5 इक्वल प्लस माइनस माइनस 12x प्लस 5y प्लस 2 अपॉन हो जाएगा ये 13 कितना हो जाएगा ये 13। अब हम उस कोण के समद्विभाजक जिसमें मूल बिंदु है उस कोण का समद्विभाजक जिसमें मूल बिंदु है अर्थात कौन से चिन्ह लेंगे धन चिन्ह। धन चिन्ह लेने पर धन चिन्ह लेंगे जिसमें मूल बिंदु उपस्थित होगा उसके लिए क्या चिन्ह लेते हैं धन चिन्ह समद्विभाजकों के लिए है ना। धन चिन्ह लेने पर तो ये हो जाएगा ऋण 3x माइनस 4y धन 11 बटा 5 बराबर धन ऋण 12x धन 5y धन 2 बटा 13। त्रियक गुना करेंगे त्रियक गुना कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो कितना हो जाएगा माइनस 39x माइनस 52y धन 143 इक्वल 12 पंचे 60x धन 25y धन 10 कितना हो जाएगा धन 10। इसको सभी इधर पद को लेफ्ट हैंड साइड में लाने पर यह हो जाएगा माइनस 39x प्लस 60x माइनस 52y सॉरी माइनस 25y प्लस 143 माइनस 10 इक्वल 0 इक्वल 0। 60 में 39 माइनस कीजिए कितना होगा 21x ये कितना हो जाएगा माइनस 77y प्लस 133 इक्वल 0 कितना हो जाएगा 77y है ना माइनस 33 0। अब हम इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 21x माइनस 77y प्लस 133 इक्वल 0 तो फिर ये 7 से कॉमन निकलेगा या डिवाइड कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 3x माइनस 11y प्लस 19 इक्वल 0। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें मिला 3x माइनस 11y प्लस 19 इक्वल 0 क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम समद्विभाजकों को लेंगे जिसमें मूल बिंदु सम्मिलित नहीं है तो इसके लिए ऋण चिन्ह लेना पड़ेगा। ऋण चिन्ह लेने पर ऋण चिन्ह लेने पर
यह हो जाएगा माइनस 3x माइनस 4y प्लस 11 बटा 5 माइनस माइनस 12x प्लस 5y प्लस 2 इक्वल 13। त्रिक गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 39x माइनस 52y प्लस 133 इक्वल माइनस रहेगा, फिर ये माइनस 60x हो जाएगा प्लस 25y प्लस 10 है ना। हम यहाँ पे फिर इसको लिख लेंगे, चिन्ह खोलेंगे, माइनस 39x माइनस 52y प्लस 133 इक्वल 60x माइनस 25y माइनस 10। अब हम फिर जो राइट लेफ्ट हैंड साइड के जो पद है, टर्म है, उसको राइट हैंड साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 39x माइनस 52y प्लस 133, ये हो जाएगा माइनस 60x प्लस 25y प्लस 10 इक्वल 0 प्लस 10 इक्वल 0। माइनस 39x और 60x कितना हो गया, माइनस 39x और 60x कितना हो गया, माइनस 39x और 60x थर्टीन से मल्टीप्लाई करने पर ये 143 होगा, 143 ये 143 हो जाएगा, 143 ये कितना होगा 99x माइनस 99x हो जाएगा, 52y और 25y कितना हो बच जाएगा, माइनस 27y प्लस 43 और 10 153 इक्वल 0 कितना हो जाएगा 153 इक्वल 0। तो ये अब यहाँ से 37, 19 है ना, यहाँ से हम इसको डिवाइड करेंगे 9 से तो ये हो जाएगा 9 11x 3y प्लस 17 इक्वल 0 है ना। ये समीकरण फोर्थ, ये निकलेगा समीकरण 4, ये हो जाएगा 11x माइनस 3y प्लस 17 इक्वल 0 इक्वेशन नंबर 4 समीकरण 4। अब हम समीकरण 1 और 3 के बीच में कोण ज्ञात करेंगे, समीकरण 1 की प्रवणता कितनी हो जाएगी, ये समीकरण 1 है, दिस इज समीकरण 2, समीकरण 1 की प्रवणता, समीकरण 1 सरल रेखा की प्रवणता, सरल रेखा की प्रवणता m1 इक्वल हो जाएगा ये माइनस 3/4 कितना होगा, माइनस 3/4 व रेखा 3 की प्रवणता, दिस सरल रेखा, सरल रेखा 3 की प्रवणता, प्रवणता प्रवणता m2 इक्वल हो जाएगा ये 3/11
कितना हो जाएगा 3/11, इसकी प्रवणता हो जाएगी -3/4 और सरल रेखा 3 की प्रवणता हो जाएगी 3/11। अब दोनों रेखाओं के बीच का समीकरण, दो रेखाओं के बीच का समीकरण ज्ञात करना है तो मान लीजिए 1 और 3 के बीच की कोण थीटा है। समीकरण 1 एवं समीकरण 3 के बीच बीच का कोण थीटा है तो क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा इक्वल हो जाएगा m2 - m1/1 + m2 m1। क्या हो जाएगा, tan θ = m2 - m1/1 + m2 - m1। मान रख दीजिए tan θ = m2 की वैल्यू कितनी है 3/11 और m1 की वैल्यू माइनस में है तो +3/4 3/11 ऋण कितना हो जाएगा 3/4। इसको हल करेंगे इसको हल करने पर tan θ = कितना हो जाएगा 11 × 44 एलसीएम कितना आ जाएगा, ऊपर में एलसीएम आ जाएगा 44। ये हो जाएगा 12 / 33 बटा नीचे हो जाएगा 44 × 9/44। इसको और अच्छा से लिखें तो tan θ = ये हो जाएगा 33 और ये 45/44 गुणित 44/44 में 9 गया, कितना बचा 44 में 9 माइनस होने पर 35। तो दिस इज कैंसल, इसको लिखेंगे हम tan θ = ये हो जाएगा tan θ = 45/35, 5 से कटेगा 9/7। तो tan θ = आपको 9/7, 9/7 इज ग्रेटर देन 1, किससे है 9/7 1 से बड़ा है और tan θ = 1 की वैल्यू होती है 10 45 डिग्री। इस प्रकार इससे निष्कर्ष निकलता है कि जो रेखा 1 और 3 किधर है मूल बिंदु की ओर है, तो इस प्रकार हमने कोणों के समद्विभाजकों का समीकरण का हमने सूत्र ज्ञात किया, फिर उससे संबंधित एक प्रश्न भी हल किया। धन्यवाद।